नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। चूंकि हम खेलों पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो इस वक्त बात सिर्फ खेल ओलंपिक के जो विजेता खिलाड़ी हैं उनकी हो रही है, तो ऐसे में ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि इन खिलाड़ियों की सफलता के पीछे जो चीज़ें हैं, यानी सरकार की जो मेहनत है इन खिलाड़ियों पर या सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि सरकार ने इन खिलाड़ियों के पीछे किस तरह की मेहनत की है। तो इसके लिए खेल मंत्री संदीप सिंह जी से बेहतर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले हम पीटीसी न्यूज़ में उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत संदीप जी आपका। संदीप जी, जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने, सिर्फ हम प्रदेश का नाम नहीं बोलेंगे, सिर्फ देश का नाम भी नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया में जिस तरह से हरियाणा के छोरे और छोरियाँ जो छाए हैं, इसको लेकर आप पहले ये बताइए कि क्या कहेंगे। देखिए, छोरे और छोरियाँ तो पूरे देश भर के जो नौजवान हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और ओलंपिक्स में अपने कंट्री का नाम रोशन किया है। अब देखिए, ओवर द इयर्स जो हमारी ओलंपिक्स जब से शुरू हुई है, इंडिया के मेडल टैली में कभी एक, कभी दो, कभी तीन, तो मैक्सिमम हमारे जो मेडल आए थे वो लंदन ओलंपिक्स में थे अभी तक के। लेकिन उसके बाद टोक्यो ओलंपिक्स में बिल्कुल ही अलग। और हॉकी की बात करें, 41 साल बाद मेडल। अगर हम गोल्ड मेडल की बात करें तो अभिनव बिंद्रा के बाद मेडल लंबा गया। और ऐसी गेम में, ट्रैक एंड फील्ड में, जो कभी सोच ही नहीं सकते कि मतलब वी वांट मेडल फ्रॉम एवरी फील्ड, हर जगह से। हाँ, मतलब लेकिन एथलेटिक्स से मेडल आना कोई छोटी बात नहीं है। और जेवलिन थ्रो में, जहाँ मतलब कि ये बातें पहले कभी सुना करते थे कि इंडियन एथलीट जो हैं उनकी जो फिजिक है फॉरनर्स के हिसाब से बहुत कम है। अगर अमेरिकन देखें या ऑस्ट्रेलियन देखें या कनेडियंस देखें या जमैकन्स देखें, तो उस तरीके से इंग्लिश जो हैं ग्रेट ब्रिटेन, तो इनका जो रेशो है उसके हिसाब से बहुत कम था। लेकिन जेवलिन थ्रो के लिए आपको ह्यूज आपकी बॉडी चाहिए, आपको मतलब फिजिक स्ट्रेंथनिंग बहुत चाहिए, तो उस स्ट्रेंथनिंग के हिसाब से भी आपका गोल्ड मेडल इंडिया की तरफ से आ रहा है, तो आप बहुत ही मतलब आप इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत मायने रखती है कि स्ट्रेंथनिंग जो है वो इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ी है, अगर आप ये कहना चाहें। देखिए, फिटनेस जो है इंडियन एथलीट की, हमारे जो 130 के आसपास के जो एथलीट गए हैं, उन एथलीट की जो रेशो है फिटनेस की, तो वो ओवर द ईयर्स बहुत गेन हुई है। क्योंकि किरण रिजिजू जी पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पर कई चीज़ों का चेंजिंग देखने को मिला। पर्सनल कोचेज उन्होंने प्रोवाइड करवाए, उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग करवाई। इवन अगर इंडिया में रहकर आप ट्रेनिंग कैंप कर रहे हो, टीम गेम के हो चाहे इंडिविजुअल के, तो उसमें डाइट का आपका कैसे रहेगा, आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से सरकार की पॉलिसी जो थी, पहले हम केंद्र की बात करते हैं क्योंकि उसके बाद ही इस पर आएंगे, तो थोड़ा सा हमें बताइए लोगों को, ताकि पता चले कि खिलाड़ियों के पीछे किस तरह की मेहनत जो थी वो हुई और जिसका नतीजा ये देखने को मिला। देखिए, खिलाड़ियों की जो सेंटर में जो पॉलिसी है वो अलग है, खाने का, उनका ट्रेनिंग कैंप्स का, उनकी अकोमोडेशन का, उनका ट्रैवलिंग का, आउट ऑफ इंडिया अगर जाते हैं तो वो अलग है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पैरेलली आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, आपको अच्छी ट्रेनिंग सेशंस दे रही है, अच्छे ट्रेनिंग कोचेस दे रही है, आपके रिहैब सेंटर हैं, अगर आपके पास एक इंफ्रा अच्छा है, आपके पास इक्विपमेंट के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हो, आप अच्छी जॉब्स दे रहे हो, अगर आप मेडल जीत के आते हो तो आप उसके मेडल का देते हो, अगर आप पार्टिसिपेशन वाले हो तो वो भी आप पैसे देते हो, आप जॉब्स अच्छी ऑफर कर रहे हो, आप स्कूल लेवल के, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों को आप उनकी अचीवमेंट के ऊपर आप कैश अवार्ड्स दे रहे हो, तो ये जो है ये इनविजिबल चीज़ें हैं। विजिबल चीज़ें आती हैं कि आज नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया तो उसको 6 करोड़ है, बजरंग ने अगर ब्रॉन्ज मेडल लिया तो उसको 2.5 करोड़ है, रवि ने अगर, दहिया ने अगर सिल्वर मेडल लिया तो उसको 4 करोड़ है, वो तो विजिबल दिख रहा है, सब इंडिया वाले सबको पता है। लेकिन उनकी वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके खुद की मेहनत, उनके कोच की मेहनत, और एज वेल एज गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज को ऑन टाइम फिलफिल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर मेहनत ज़्यादा करोगे, आपको पॉलिसीज में या गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। अगर आपको पहले ही गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रही है और आप भी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हो, तो दोनों पैरेलल चलेंगे, डेफिनेटली आप मेडल जीतोगे। बिल्कुल, अब हम थोड़ी सी हॉकी की बात कर लेते हैं। चाहे वो पुरुष हॉकी टीम हो, महिला हॉकी टीम हो, दोनों की बहुत तारीफ हो रही है। भले ही महिला हॉकी टीम कुछ नहीं ला पाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी उसकी तो ओपोनेंट्स जो हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं।
आप इन दोनों टीम को कहाँ खड़ा पाते हैं अगले ओलंपिक या फिर अगला जो चैंपियनशिप होने वाला है उसके लिए? देखिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स पहली टीम है हॉकी की इंडिया की, जो इस बार ओलंपिक्स में दोनों टीमें सेमीफाइनल में थी जी। और मैं कहूँगा कि मेरे लिए बॉयज़ का भी गोल्ड है, गर्ल्स का भी गोल्ड है, क्योंकि 41 ईयर्स के बाद कहा है कि 41 साल के बाद बॉयज़ का मेडल आना, गर्ल्स का पहली बार सेमीफाइनल में पहुँचना, ये मतलब बहुत बड़ी बात है स्पोर्ट्स जगत के लिए, हॉकी जगत के लिए, हॉकी वर्ल्ड के लिए भी। और इसके बाद अगर हम बात करें, चाहे हम सेमीफाइनल बॉयज़ ने भी लूज़ किया, गर्ल्स ने भी लूज़ किया, लेकिन मेडल टैली में बॉयज़ पहुँचे, गर्ल्स नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी आप देखें हरियाणा गवर्नमेंट ने सबसे पहले, माने मुख्यमंत्री जी हमारे तो ने द मिनट मैच खत्म हुआ, मेडल नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि हम हर खिलाड़ी को जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं 50-50 लाख रुपए देंगे। तो ये पॉलिसी से हटकर भी काम किया, ये काम को देखकर बाकी स्टेट्स को भी देना पड़ रहा है। कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि आप दें या ना दें, चलो तो आपको लग रहा है कि हरियाणा सरकार को देखकर कहीं ना कहीं उनमें ये हुआ कि डेफिनेटली आप देखिए हमारी पॉलिसी के अंदर है 6 करोड़, कौन सी स्टेट के अंदर है 6 करोड़ का गोल्ड मेडल का, हमने तो पॉलिसी में बना रखा है और हमारा आया और हमने दे भी दिया, ऑलरेडी दे चुके हम पैसा। ये पहली बार हो रहा है कि खेलने से पहले आप तैयारी के लिए आप 5 लाख रुपया दे रहे हो, कौन सी स्टेट करती है ये? हरियाणा ने करके दिखाया पहला। आप ये देख लीजिए कि अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, जो ये अवार्ड है इनको ऑनर के रूप में 20-20 हजार रुपया प्रति माह देना, कौन सी स्टेट देती है? हम दे रहे हैं। आप अर्जुन अवार्ड जो स्टेट अवार्ड का, सॉरी भीम अवार्ड जो स्टेट अवार्ड है, उसको भी हम 5 हजार प्रति माह दे रहे हैं, वो भी हरियाणा स्टेट कर रही है, कोई और स्टेट कर नहीं रही है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो कितना आपको सपोर्ट कर रही है, आप स्पोर्ट के साथ आपको हर चीज़ की, चाहे आपको देखो फिजिकली आप स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, आपको डाइट अच्छी मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कई पॉलिसी के अंदर या कोई उस चीज़ के अंदर नहीं आते हैं, और आपको वो सामान चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लैपटॉप चाहिए आपकी हर वीडियोज़ को चेक करने के लिए, तो आपको या ना तो सेंटर से मिल रहा है ना स्टेट से मिल रहा है, लेकिन आपको पर्सनली वो करना है, लेकिन ये जो पैसा है वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो हैं कई खिलाड़ियों को जरूरत पड़ती है। आप अब्रॉड जा रहे हो, वहाँ पर आपको अपनी डाइट अलग से खानी है, डाइट के लिए आपको प्रावधान अगर नहीं है, तो आप ये जो हम कर रहे हैं ये चीजें क्या है, ये मैं इस लाइफ से निकल के आया हूँ। बिल्कुल, तो तभी आपसे हाँ मुझे पता लग रहा है कि खिलाड़ियों को ये चीज जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है, अच्छा इक्विपमेंट देंगे, अच्छा इंफ्रा देंगे, अच्छी कोचिंग देंगे, आपको हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर देंगे, आपको रिहैब सेंटर होंगे, आपके अच्छे डाइटिशियंस हों, आपके अच्छे मेंटल कोच हों। तो ये चीजें जब स्टेट लेवल पर ही मिलने लग जाएंगी, तो ये शुरुआती तौर पे अगर आपको मिलेंगे तो आप इंडिया की जब रिप्रेजेंट करोगे तो आपकी वो चीज़ें आपको इजी लगेंगी आपको परफॉर्म करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम जो बाकी कंट्रीज में देखते हैं तो उनकी छोटे छोटे शहरों में हर जगह पर वो मिलती है, हम यहाँ पर पहली बार हरियाणा में ऐसा करवा रहे हैं। बिल्कुल। खेल मंत्री संदीप सिंह के साथ बड़ी दिलचस्प सी ये बातचीत जारी है, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम कुछ और इन्हीं खिलाड़ियों पर, खिलाड़ियों की योजनाओं पर बातचीत जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं कहना चाहूंगी कि अगर आज से 10 साल पहले के प्रदेश में खेल की स्थिति और अब की खेल की स्थिति में जाहिर है, मतलब आप ज़रूर यही कहेंगे कि सर, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो डिफरेंस जो है, जहाँ पर 10 साल पहले की सरकार के दौरान खेलों की क्या स्थिति या खिलाड़ियों की क्या स्थिति थी और अब जो प्रदर्शन है उसकी वजह क्या है, पहली बात तो ये, और कहाँ पाते हैं आप उसके मुकाबले? देखिए, प्रदेश की आपने बात की है तो मैं उसमें बता देना चाहता हूँ कि अगर हम 10-12 साल पहले की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में जब सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल आता था तो गोल्ड मेडल को मिलता था 15 लाख रुपए, सिल्वर को 10, 7.5, ब्रॉन्ज मेडल को, तो अब हम पार्टिसिपेशन को ही 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं, मेडल को तो हम लाखों में करोड़ों के आसपास टच करते हैं जो मेडलिस्ट होते हैं। तो ये दर्शाता है कि कितनी चेंजिंग आ गई है। आप उसके बाद देखिए जॉब्स जो होती हैं, अब हमारे यहाँ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी जो है जॉब ऑफर की, वो
तकरीबन ऐसी है कि खिलाड़ी जो है वो जब तक गेम करेगा तो स्पोर्ट्स की ही नौकरी है उसकी, जब गेम छोड़कर अपनी रिटायरमेंट लेता है तो अपने जैसे और खिलाड़ी पैदा कर सके तो उसके लिए उसको उस तरीके की हम जॉब देते हैं। जॉब पर ये एक्चुअली विपक्ष का थोड़ा बहुत इस पर है, जॉब को लेकर थोड़ी सी रिजर्वेशन है उनकी। तो मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। उनका ये कहना है कि जॉब जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड कहीं ना कहीं जो विजेता खिलाड़ी हैं या जो जॉब ऑफर हो रही है सरकार की होनी चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ इतने खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हमने लिया है। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आप मास्टर हैं अपनी गेम के। हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी गेम की PhD कर रखी है, कह सकते हैं आपने अपनी ही गेम की मास्टरी कर रखी है। अब डॉक्टर ने जब डॉक्टरी की होती है तो उसको वो क्लिनिक करता है या हॉस्पिटल में काम करता है। इंजीनियर जो इंजीनियरिंग कर रखी होती है उसके बाद वो इंजीनियरिंग लाइन में ही जाता है, वो स्पोर्ट्स में नहीं आ सकता है। तो स्पोर्ट्स वाले को हम स्पोर्ट्स में ही रखें, इसीलिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है। नहीं, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या बीच में, जो पुलिस के देखिए पुलिस की, मैं पुलिस में रहा हूँ, मैं 10 साल मैंने भी पुलिस की नौकरी की है। मैं 10 साल में अपनी पुलिस की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था। अब कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, अगर आप ऑन ड्यूटी आते हो तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अगर आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऑन ड्यूटी नहीं कर सकते। आप ये देखिए ना, पुलिसिंग जो है या पुलिसिंग या SES वो जॉब्स हैं जो आपकी एजुकेशन के थ्रू लोग भर्ती होते हैं। स्पोर्ट्स में अगर आप दे भी दोगे तो एक ऑनर के रूप में आप दे रहे हो, लेकिन आप उसके बाद रेगुलर में अगर आपको ड्यूटी करनी है तो यू हैव टू बी स्टडी, क्योंकि आप स्टेट को संभालना है आपने। तो बेटर है आप स्पोर्ट्स में रखिए, आपको सिर्फ औहदे के रूप में है। यहाँ हमारे पास कोई एक खिलाड़ी हो तो हम मान सकते हैं, दो खिलाड़ी तो यहाँ तो एक ईंट उखाड़ दो 10 खिलाड़ी टॉप के मिलते हैं। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी बल्कि कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर हालात कुछ ऐसे हैं कि आप एक के पीछे मेहनत करो, आसपास और 4-5 निकल आते हैं। तो अभी सिचुएशन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में खासतौर पर रिमोट एरियाज की अगर हम बात करें, ग्रामीण इलाकों में, नीरज चोपड़ा को ही अगर हम ले लें तो एकदम छोटे से गाँव से लड़का आया और इस तरह से उसने, देखिए आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, और जितने हरियाणा के तो एथलीट हैं, आप इंडिया के एथलीट, किसी भी गेम के एथलेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एथलीट की बात कर रहा हूँ, आप उनको देख लीजिए, अबव 90% गांव से हैं। किसी भी गेम को उठा के देख लीजिए। जी नहीं, तो मेरा सवाल इस पे ये था कि इन जो ग्रामीण इलाकों में इतनी प्रतिभाएं छुपी बैठी हैं, इसको ढूंढते हैं हम। हाँ, इसको ढूंढते हैं। हमने नर्सरीज बनाई हैं। जी जी जी। नर्सरीज हमारी शुरू हुई थी 250 के आसपास। किस तरह से आप करेंगे इस चीज को? ये नर्सरी चल रही है हमारी, ऐसा नहीं है कि नीरज जो हमारा पंचकुला ट्रेनिंग सेंटर का एक स्टूडेंट रहा है, ठीक है, और कुछ गेमें ऐसी होती है, ऐसे नीरज पता नहीं कितने हैं, रानी रामपाल शाहबाद के ट्रेनिंग सेंटर की रही है, ठीक है। मैं जस्ट एक नंबर बता रहा हूँ, ऐसे तो हमारे कई खिलाड़ी हैं, मैं खुद शाहबाद से बन के आया हूँ, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों सेंटरों से बन के निकलते हैं। क्योंकि आपके पास एंड ऑफ द डे आपने, मैं वही कह रहा हूँ, जब जो इनविजिबल सरकार करती है, इनविजिबल वर्क के ऊपर करती है, पहले बहुत कम था, पहले मतलब एक तरीके का पहले टाइम पे तो डाइट मिलना भी मुश्किल होता था। मैं पुरानी की बात करूँ तो आज की डेट में डाइट मिलता है आपको, इक्विपमेंट मिलता है आपको, अच्छा कोच मिलता है आपका, अच्छा इंफ्रा होता है, और इन्फ्रा को कैसे बढ़ाना है उसी के ऊपर हम और काम कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप इसको स्प्रेड करोगे उतना आपके और फाइन ट्यून होकर खिलाड़ी बनते रहेंगे। पैरामिड की तरह होता है, आप अगर हर कोने से खिलाड़ी निकालोगे, निकालते निकालते आपके आपके सेंटर्स कम छोटे होते जाएंगे, जो बड़े सेंटर्स होंगे जो प्रो के लिए। अब क्रीम ऑफ इंडिया की जो वो है वो पैरामिड के ऊपर रहती है, वो देश को रिप्रेजेंट करेगी और मेडल लेकर आएगी, लेकिन निकलेंगे वहीं से धीरे धीरे धीरे, आप अच्छे फाइन ट्यून करते हुए खिलाड़ी को ऊपर बना सकते हो। लेकिन बहुत काम करना है सीधी सी ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको रिजल्ट भी बता रहे हैं ना, यहाँ तो है ना, रिजल्ट ना बोल रहा हूँ, बातें कर रहे हूँ सिर्फ। मानता हूँ कि अदर स्टेट्स का या किसी और स्टेट्स में कम हो सकता है, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर हर गेम को प्रेफरेंस दी जाती है, हर गेम को प्रायोरिटी दी जाती है, हर खिलाड़ी को हम उतना ही तवज्जो देते हैं, चाहे वो मेडलिस्ट है, चाहे वो अच्छी परफॉर्म करके जरा सा चूका हो मेडल से। जी, जी, जी। हर को हम जिसकी भी परफॉर्मेंस आती है उसको हम सम्मानित भी करते हैं, जो बन रहा है उसकी भी सपोर्ट करते हैं। आप देख लीजिए हमारे यहाँ अब हम नर्सरियाँ जो हैं 300 से ज़्यादा नर्सरियाँ हैं, जिनको खिलाड़ियों की डाइट को, जो 8 साल से 15 साल 14 साल के हैं उनको डाइट के पैसे देते हैं, जो 14 से 19 साल के हैं उनको भी डाइट के पैसे देते हैं, उनके कोच भी रखे हुए हैं।
मतलब सारा कुछ सरकार ही वहन कर रही है, सब कुछ सरकार कर रही है। ठीक है ठीक है, रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जारी है हमारी संदीप सिंह के साथ खास बातचीत, बने रहिए हमारे साथ। अब आप पर आती हूँ कि बतौर खेल मंत्री आप खुद को कितना सफल मानते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी सरकार में खिलाड़ी इतने आगे बढ़ रहे हैं, मतलब अब नीरज चोपड़ा जैसे अब पता नहीं आगे और कितने, भगवान करे ऐसा ही हो, आप खुद को कहाँ पाते हैं और खुद को कितना सफल मानते हैं और आपके लिए आगे क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, सफल मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ अभी, क्योंकि बहुत से काम करने हैं। क्योंकि सफल आप मान लेंगे दैट मीन्स कि आप सेटिस्फाई हैं, सेटिस्फाई के बाद आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। और आप एक प्लेयर की तरह बोल रहे हैं इस वक्त। और दूसरी बात, मैं आशा भी करता हूँ, विश भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि नीरज जैसे हमारे सैकड़ों खिलाड़ी हों और देश भर में हों, मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर के हों, क्योंकि खिलाड़ी सबके साथ जी होते हैं और देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आप तिरंगा आप छाती पे लगा और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी वजह से वो मेडल आए और आप राष्ट्रीय गान आपका जो है वो दूसरी कंट्री में बजे, इससे बड़ी मतलब जो मान सम्मान कहीं मिल ही नहीं सकता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए चैलेंज बहुत हैं, एक दिन में कोई खिलाड़ी नहीं बनता, सही बात, बहुत समय लग जाता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत जो है वो अकेले खिलाड़ी की नहीं होती है, जी जी, पेरेंट्स की होती है, उनके वेल विशर्स होती है, उनके कोचेज की होती है, उनके एक पेरेंट्स पर, चूंकि आपने कहा तो ये बात भी, क्योंकि आज भी भले ही माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है लेकिन आज भी ये कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में खासतौर पेरेंट्स को लड़कियों के लिए थोड़ा सा है, तो इसमें क्या अभी भी जागरूकता लानी जरूरी है? देखिए, बहुत सी हमारा पीछे स्लोगन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ जी, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें लेकर आओगे जिससे कि पेरेंट्स जो हैं वो कंफर्टेबली अपने बच्चों को भेजें, और आप देख लीजिए पहले पिछले ओलंपिक्स की बात कर लीजिए, दोनों मेडल महिलाओं के थे। हाँ, हमारी इंडियन हॉकी टीम, अच्छा लगता है सुनके, इंडियन हॉकी टीम इस बार जो है उसकी 9 महिलाएं हरियाणा की हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा से 9 महिलाएं हॉकी की में जा रही हैं, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का। ठीक है, आप इंडिया के हो, प्रायोरिटी हमारी इंडिया है, लेकिन अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हो महिलाओं के लिए, तो हमारी हर तरफ से, चाहे वो सीमा पुनिया हो, मनु भाकर हो, चाहे हमारी रानी रामपाल और उनकी पूरी टीम हो, सविता पुनिया हो, तो ऐसे जो खिलाड़ी हैं, जो महिलाएं हैं, वो अगर वहां परफॉर्म करेंगी तो आपको, आप देख लीजिए हमारे हरियाणा से गोल्फ की खिलाड़ी गई हैं। जी बिल्कुल, और ये बड़ा सुखद अनुभव था उसको देखना इस तरह से ओलंपिक में। तो आप रेसलर्स देख लीजिए, हमारी विनेश फोगाट है, और जितनी महिलाएं हरियाणा से गई हैं, तो सारे और रेसलर सारे के सारे अपने यहाँ से, तो ये दर्शाता है कि हमारे हरियाणा में महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी पैरलर काम चल रहा है और पैरलर सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इसको बेहतर ही करेंगे। आज हम अगर ये कहें कि हरियाणा टॉप पे है तो अच्छी बात है, लेकिन कल को भी हरियाणा टॉप पे रहे उसके लिए भी काम करना है, हमें डायनासोर नहीं बनना है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और खेलों पर तमाम बातचीत, और खासतौर पर खेलों पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो जानना हमारे लिए बेहद जरूरी था, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे खेल मंत्री संदीप सिंह, हमने जाना कि न सिर्फ सरकार की मेहनत बल्कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम सभी की मेहनत, इन खिलाड़ियों की जो सफलता है उसके पीछे इसका नतीजा जो है वो सामने आया है, लेकिन ये ज़रूर हम उम्मीद करेंगे सरकार से कि आगे इसी तरह की मेहनत जो सरकार कर रही है वो जारी रखेगी। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या शख्सियत के साथ हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।